गुड इवनिंग क्लास दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ में हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में देख रहे थे एशिया कंटिनेंट। हम लोग देख रहे हैं एशिया कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट में हम लोग देख लिए थे साउथ एशिया, साउथ एशिया जिसमें साउथ एशिया में सार कंट्री देख लिए सारे कंट्री वाइज लोकेशन में। उसके बाद हम लोग ने साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज जो हैं सारे देख लिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में चाइना ताइवान जापान साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया सब देख लिए। ईस्ट एशिया में एक बचा हुआ था देश हमारा मंगोलिया, ठीक है। तो आज हम लोग मंगोलिया कवर करेंगे। मंगोलिया के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्थ एशिया, जो नॉर्थ एशिया में आपका आएगा रूस, नॉर्थ एशिया में आएगा आपका रूस आएगा रसिया आएगा। तो पहले हम लोग कवर करते हैं मंगोलिया, उसके बाद करेंगे हम लोग रसिया। और जी हाँ, ठीक है, कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को अगर ज़रूरतमंद है तो उसके तक पहुंचाने की कोशिश करें। और एक बात और है कि ये वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ के साथ साथ फिज़िकल ज्योग्राफी चल रहा है। फिज़िकल ज्योग्राफी में हमारा चल रहा है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वर्ल्ड मैपिंग सीरीज मिल जाएगा और फिज़िकल ज्योग्राफी मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ में चल रहा है तो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ के साथ आप फिज़िकल ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मंगोलिया, मंगोलिया पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग रसिया। तो हमारा मंगोलिया ए है, देखिएगा यहाँ पे ए मंगोलिया है, ठीक है, ए मंगोलिया है, ए मंगोलिया है। मंगोलिया बाउंड्री कहाँ कहाँ शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, आप देखेंगे मंगोलिया है। मंगोलिया चीन के साथ शेयर करता है, ये आपका चाइना है, ठीक है, ये चीन है, चीन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इधर पर ऊपर रसिया, ठीक है, मंगोलिया जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है रसिया से और चाइना से। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे लग रहा है कि बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट यहाँ पे बाउंड्री मंगोलिया शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका कौन सा देश है, कजाकिस्तान, कौन सा, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर नहीं करता है मंगोलिया जो है, बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आप ध्यान से देखेंगे एटलस में मैप में कि शेयर नहीं करता है, थोड़ा सा टच कर जैसा लगता है लेकिन टच नहीं करता है। यहाँ पे दोनों के बीच में 38 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दोनों में, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है, यहाँ तक समझ के आगे आते हैं। मंगोलिया जो है, मंगोलिया एक कैसा देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, कैसा है, लैंडलॉक्ड है, एक तरफ से चाइना है एक तरफ से रसिया है, ठीक है, ये क्या है, अंदर से लॉक्ड है, ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो बात करें लैंडलॉक्ड की तो लैंडलॉक्ड में मंगोलिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है लैंडलॉक्ड में, ठीक है। तो आप बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड का, विश्व का, ठीक है, विश्व का पहला फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश लैंडलॉक कौन सा है, दूसरा मैंने बता दिया आप लोगों को कि मंगोलिया है, दूसरा कौन सा है, मंगोलिया है। तो आप बताएंगे कि पहला जो लैंडलॉक कंट्री है विश्व का सबसे बड़ा है वो कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंगोलिया में एक यहाँ पर मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल है गोबी, यहाँ पे एक मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, ठीक है, कौन सा मरुस्थल है, गोबी। ये गोबी मरुस्थल जो है कैसा मरुस्थल है, या शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल जो होता है दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, एक ठंड होता है, एक गर्म, गर्म को हम लोग को कहते हैं शुष्क मरुस्थल
और ठंड को कहते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, दो टाइप का हो गया मरुस्थल। इसमें से जो मंगोलिया का मंगोलियम जो मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, ये आपका शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है, और इसका जो फैलाव है, ठीक है, ये फैला हुआ है चीन से लेकर मंगोलिया के बीच में। चीन और मंगोलिया, देखिए इधर नीचे चीन है, नीचे चाइना है, और ऊपर मंगोलिया है। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल, ये आपका गोबी मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल जो है चाइना और मंगोलिया में दोनों के बीच फैला हुआ है। कितना है? 1623 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इतना फैला हुआ है, 1623 किलोमीटर स्क्वायर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका इतना क्षेत्रों में फैला हुआ है कौन सा? गोबी मरुस्थल। एक बात यहाँ देखिए, इसकी खासियत है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, एक ऐसा मरुस्थल है, गर्म नहीं है, शीत मरुस्थल है। तो ये जो होता है इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर बात करें कंपेयर करें मरुस्थल में, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि भारत में जो मरुस्थल हैं, जैसे बता रहे हैं आपको, भारत में भी दो प्रकार के मरुस्थल हैं। ठीक है, एक ठंडी एक गर्म। ठंडी की बात करें तो ठंडी में आपका जो शीत मरुस्थल आएगा आपका भारत के लद्दाख में आएगा। कहाँ आएगा? भारत का लद्दाख में। ठीक है, और गर्म की बात करेंगे, शुष्क की बात करेंगे, तो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल। ठीक है, तो गर्म में आएगा राजस्थान का थार मरुस्थल, और लद्दाख का यह आपका शीत मरुस्थल। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख लिए मंगोलिया जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, यहाँ पे गोबी मरुस्थल जो है इसमें फैला हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितना बड़ा है? पांचवां। विश्व का सबसे बड़ा पांचवा बड़ा मरुस्थल है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इससे पहले चार और कौन कौन से मरुस्थल हैं, चार जो मरुस्थल हैं कौन कौन से हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विश्व के चार जो मरुस्थल हैं कौन कौन से हैं। बात करते हैं रसिया की, हम लोग बात करते हैं रसिया की। अब हम लोग देखते हैं रसिया, तो आपका देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका रसिया है, ये रसिया है, तो जो आप दिख रहा है आपको ये रसिया है। तो रसिया का बाउंड्री कहाँ कहाँ दिख रहा है? अब देखिए ऊपर यहाँ मंगोलिया हो गया, ये चाइना हो गया। अब इधर जाएंगे तो यहाँ देखिए ऊपर नॉर्थ कोरिया, यहाँ नीचे आएंगे आप साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा जापान है। चाइना के बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका दिखेगा यहाँ पे एलओसी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ताइवान। ठीक है, ताइवान है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आप ईस्ट चाइना सी। ठीक है, अब नीचे आएंगे यहाँ पे तो साउथ चाइना सी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ईस्ट सी। ठीक है, पूर्वी सागर यहाँ मिलेगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे सी ऑफ अखोस्टक सागर। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको अखोस्टक सागर।
यहाँ देखिएगा, जो आपको दिख रहा है ये सब सागर है, ये सब क्या है, सागर है, ये सारे सागर है, ठीक है, ये सारे सागर है। तो ये हमारा अखोस्टक सागर, ईस्ट सी जो जापान सी कहते हैं इसको, जापान कहता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, और यहाँ पे साउथ चाइना सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आगे तो यहाँ पे मिलेगा बेरिंग सी, कौन सा, बेरिंग सागर, आपको यहाँ मिलेगा बेरिंग सागर। आप यहाँ देख रहे हैं एक द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे आपको द्वीप दिखेगा, इस द्वीप का नाम है साखलिन द्वीप, किसका है, तो रूस का है, रसिया का है, ठीक है, अरे जापान हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये द्वीप का श्रेणी दिख रहे हैं, इसे कहते हैं कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप जो आता है रशिया में आता है, कुरिल द्वीप, साखलिन द्वीप इसमें आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे तो आर्कटिक सी, कौन सा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आप इधर साइड देखेंगे तो आपको पैसिफिक प्रशांत महासागर मिलेंगे, आपको प्रशांत महासागर, ठीक है, इधर आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए रूस है, आपको ये जो रूस दिख रहा है, ये रूस है, ये 1991 से पहले, 1991 से पहले ये जो आज रूस है, इससे पहले हुआ करता था USSR। 1991 से पहले रूस का नाम क्या था, USSR, जिसे कहते थे हम लोग सोवियत संघ, क्या कहते थे, सोवियत संघ। 1991 से पहले रूस का नाम हुआ करता था सोवियत संघ, जिसे कहते हैं हम लोग USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, 1991 के बाद, 1991 में क्या होता है कि जो रसिया है, जो रूस अभी जो है, ये टूटता है 15 भागों में, कितने भागों में, 15, कौन कौन से, यहाँ देखिए, यहाँ आप समझ गए USSR का फुल फॉर्म, ठीक है। अब नोट करते जाएंगे, साथ साथ में नोट करते जाएंगे, अब साथ में एटलस रखें, मैप रखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए क्या होता है कि जो रूस है 1991 में 15 भागों में टूट जाता है, यहाँ देखिए USSR था, ये USSR टूटता है कितने भागों में, 15 भागों में, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे, पांच देखिए यहाँ पे, सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में पांच देश। दूसरा देखिए, सेंट्रल एशिया में पांच देश हो गए, दूसरा देखते हैं हम लोग काकेसस में 3 देश, बाल्टिक देश, बाल्टिक में 3 देश, सेंट्रल में 5 देश,
कॉकेसस में 3 देश और बाल्टिक में 3 देश। उसके बाद एक आता है नो ग्रुप, इसका कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, इसमें आता है 3 देश। और लास्ट आपका बचा कौन सा, एक बच गया रसिया, एक, ठीक है। अब देखिए यूएसएसआर जो था 1991 में टूट जाता है कितने भागों में, 15 भागों पे। उसमें से देखिए सेंट्रल एशिया में 5 देश, काकेसस में 3 देश, बाल्टिक में 3 देश, नो ग्रुप में 3 देश और रसिया में 1 देश। अब बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश है, काकेसस में, बाल्टिक में और नो ग्रुप में और रसिया में, ठीक है। यहाँ देखते हैं टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 3, 6, 9, 10, 1, 5, 15, टोटल कितने हो गए, 15 देश, टोटल हो गया 15 देश। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश इसमें आते हैं। यहाँ देखिएगा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, अब एटलस निकाल लीजिए, एटलस में देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया में 5 देश मिलेंगे, कितने देश, 5 देश। यहाँ देखिए सेंट्रल एशिया आपको यहाँ मिलेगा, सेंट्रल एशिया इस एरिया में आपको मिलेगा, यहाँ पे सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में 5 देश कौन कौन, देखिए पहला कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देख लेंगे सेंट्रल एशिया में 5 देश हो गए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 देश हो गए। तो सेंट्रल एशिया में 5 देश हो गया। अब देखते हैं काकेसस में, काकेसस में 3 देश, काकेसस में 3 देश आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए काकेसस में कौन कौन देश आते हैं, काकेसस में 3 देश आते हैं कौन कौन, जॉर्जिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 देश है। अब इनका लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के जस्ट आगे पे, यहाँ देखिए कैस्पियन सागर के जस्ट आगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कैस्पियन सागर से बाउंड्री जो टच कर रहा है आपका ये अजरबैजान है, अजरबैजान, ठीक है। आपको एक यहाँ देश मिल रहा है, ये जो बाउंड्री से ये बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री जो दिख रहा है आपका ये है जॉर्जिया, जॉर्जिया, और आपको एक देश ये जो दिख रहा है ये है आपका आर्मेनिया, आर्मेनिया, ठीक है। तो हम लोग देख लिए काकेसस में 3 देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। अब देखते हैं बाल्टिक देश, बाल्टिक देश, बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, बाल्टिक में 3 देश आते हैं कौन कौन है, एस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है। दूसरा बाल्टिक देश में देख रहे थे हम लोग, बाल्टिक
देश, बाल्टी देश में तीन देश, बाल्टिक में तीन देश कौन कौन है? बाल्टिक में यहाँ देखिए, बाल्टिक में कितने देश हैं? तीन देश हैं। कौन है? इस्टोनिया, 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 लटाविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक है, तीन देश जो आते हैं बाल्टिक देश में आते हैं, तीन बाल्टिक देश में, पांच सेंट्रल में, और तीन जो आते हैं काकेशस में। तो हम लोग सेंट्रल देख लिए, सेंट्रल पांच यहाँ पे, तीन जो के काकेशस में, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तीन इधर हो गया, और तीन हो गया बाल्टिक देश। बाल्टिक देश का लोकेशन देखते हैं यहाँ पे, बाल्टिक देश लोकेशन यहाँ देखते हैं, बाल्टिक यहाँ पे क्या, ये बाल्टिक सागर है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे कौन सा है? बाल्टिक सागर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे ऊपर में यहाँ टॉप में आपको दिखेगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में ये आपका है इस्टोनिया, इस्टोनिया। अब साथ में एटलस निकाल लीजिए, मैप देखिए साथ में, यहाँ पे देखिए इस्टोनिया है, यहाँ पे दूसरा देखेंगे आप तो लटाविया है, लटाविया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले पार्ट, ये आपका है लिथुआनिया, कौन सा है? लिथुआनिया। ठीक है, तो ये तीन देश हैं जिसे हम लोग कहते हैं बाल्टिक देश कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सागर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है। इधर के पार्ट अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जब यूरोप में हम लोग आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग रूस देखना है, कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इतना। ठीक है, अब क्या होता है कि यूएसएसआर 15 भागों में डिवाइड होने के बाद ये आपस में एक संगठन बनाते हैं, आपस में एक संगठन बनाते हैं। देखिए कौन कौन संगठन बनाते हैं, यहाँ जो संगठन बनाते हैं यूएसएसआर, ए डिवाइड होता है 15 देशों में, 15 देशों में डिवाइड होने के बाद आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगठन। कौन बनाते हैं? देखिए यहाँ पे कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसे कहते हैं CIS, क्या कहते हैं इसे? CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसमें 15 देश ना होकर, इसमें डिवाइड तो 15 देश हुए, तो 15 देश ना होकर कितने देश होते हैं? 12। तो इसमें जो होता है तीन देश, तीन देश कहने के मतलब है कि एक ग्रुप, तीन देश का ग्रुप कौन था? बाल्टिक देश, बाल्टिक देश जो है इसमें नहीं है, बाल्टिक देश को छोड़कर, बाल्टिक देश को छोड़कर जितने सारे बच्चे, कितने बच्चे? 12। कितने बच्चे? 12। कौन कौन? सेंट्रल एशिया, काकेशस और रशिया और नो ग्रुप। नो ग्रुप में नहीं बताया आपको ना, नो ग्रुप में होते हैं तीन, नो ग्रुप में तीन होते हैं, नो ग्रुप में तीन देश हैं। कौन कौन है? यहाँ देखिए मालडोवा, कौन है? मालडोवा। दूसरा नंबर पे आता है यूक्रेन, यूक्रेन, और तीसरा में जो आता है मालडोवा, यूक्रेन, और तीसरा में आता है बेलारूस, बेलारूस। तो ये तीन जो आते हैं इनका कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ देखिए ये आपका है यूक्रेन, ये वाला जो देश है आपका यूक्रेन, कौन सा है? यूक्रेन। ये आपका बेलारूस, और इधर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वाला देश, ये आपका है, ये आपका देश है मालडोवा। आप मैप में देखिए, एटलस निकालिए, रस में देखते रहिए। ठीक है, तो नो ग्रुप में तीन देश हैं, कौन कौन है? यूक्रेन, बेलारूस और मालडोवा, इसमें तीन देश हैं। इसमें कितने देश हैं? तीन देश हैं। तो जब यूएसएसआर डिवाइड होने के बाद, 15 में डिवाइड हो गया, 15 भागों में डिवाइड होने के बाद होता है, बाल्टिक देश
बाल्टिक देश को छोड़कर बाकी सारे जो देश थे 12 देश आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। तो इसमें आपको बता दिए हैं कौन कौन से थे, तो बाल्टिक देश को छोड़कर, बाल्टिक देश में कौन देश हैं, 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। 3 देश को छोड़कर एक क्या बनाते हैं, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, एक संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, ठीक है। इस संगठन में क्या होता है, बाल्टिक देश इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इस संगठन जो बनता है 8 दिसंबर 1991 को, ये जो संगठन बनता है 8 दिसंबर 1991 को बनता है, इसमें बाल्टिक देश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बाल्टिक देश इसमें नहीं है, ठीक है। संगठन है तो इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं जरूर होगा, तब संगठन बना है तो इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं जरूर होगा, है ना। अब कमेंट में बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय और आसियान का मुख्यालय कहाँ है, बता चुके हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे कमेंट करके सार्क का मुख्यालय और आसियान कंट्री का, आसियान का कहाँ पर मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसका मुख्यालय लिखते हैं। इसका मुख्यालय जो है बेलारूस की राजधानी, बेलारूस की राजधानी मिंस्क, बेलारूस की राजधानी मिंस्क में इसकी मुख्यालय है, इसकी मुख्यालय किसकी, CIS की, ठीक है। इसमें कौन से देश हैं, जो USSR से जो डिवाइड हुए थे, जो देश 15 देश, उसमें से 3 देश को छोड़कर, कौन कौन, बाल्टिक जो देश में है कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 3 देश को छोड़कर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या होता है, इतना डिवाइड होने के बाद अभी भी जो रूस है, रूस जो है वो 76% है, रूस कितना है 76% इतना भी है, इतना डिवाइड होने का अभी भी रूस अकेला 76% है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि रूस कितना बड़ा है। अब यहाँ देखिए रूस अकेला कितना है 76%, अगर रसिया की बात करें तो रसिया केवल टोटल कितना है, टोटल रसिया कितना है 76% है, ठीक है। इस 76% का, इस 76% को हम देखते हैं कितना अलग होता है। अब देखिए ये यहाँ कारा है, कारा सी है, यहाँ पे कारा सी है, ऊपर में आर्कटिक सी है, ओशन है, आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, ठीक है। आप मैप में देखिए, ठीक है, आपको दिखेगा कारा सी है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यूराल पर्वत है, यहाँ से क्या है, यूराल पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत यहाँ से कजाकिस्तान से होते हुए यहाँ से फिर ये इधर आता है, ठीक है, यहाँ से इधर आता है और यहाँ पे मिलता है, यहाँ देखिए ये आपका हो गया यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। अब यहाँ से एक नदी मिलती है, नदी मिलती है यूराल नदी, यूराल नदी, ठीक है। यहाँ आ गए, इसके आने के बाद आपको फिर यहाँ मिलेगा कैस्पियन सी, तो ये देखिए ये भी कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, इस सागर में होकर क्या है, कैस्पियन एक झील है, क्या है, झील है, कन्फ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है, एक झील है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बढ़ते आगे तो यहाँ पे ये क्या है, काकेसस पर्वत, इसी के नाम पे काकेसस देश नाम पड़ा है। काकेसस में कितने देश हैं, तो 3 देश हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। यहाँ पे जॉर्जिया है, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। तो एक काकेसस पर्वत श्रृंखला हुआ। इसके बाद ऊपर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक सी, कौन सा, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी सब क्रॉस करेंगे इधर से, फिर इधर से आएंगे, ठीक है, ये बाउंड्री फिर इधर जाएगा, फिर ये आपको मिलेगा इधर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये डिवाइड करता है यूरोप को एशिया से, बेसिकली यूरोप एशिया एक ही प्लेट पे है, यूरोप और एशिया जो है वो एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट पे है, एक प्लेट है, इस प्लेट पे इधर एशिया है और इधर यूरोप है, इधर यूरोप है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये दोनों एक ही प्लेट पे हैं, तो प्लेट का नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन
प्लेट, ठीक है। बस इसे क्या है कि एक काल्पनिक रेखा द्वारा इसको डिवाइड किया गया है, जैसे यूराल पर्वत को मारा गया है, यूराल पर्वत की इधर पूर्व साइड, इधर पूर्वी साइड जो हो गया इसे कहते हैं एशिया, और पश्चिमी साइड जो हो गया इसे कहते हैं हम लोग यूरोप, ठीक है। तो रूस जो है वो दोनों में आता है, एशिया में आता है और यूरोप में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रूस है 76% है टोटल, उसमें से 76% का 70%, ध्यान दीजिएगा 70% जो है वो आता है एशिया में और 30% जो आता है यूरोप में। और इसका जो राजधानी जो है, रूस का राजधानी जो है मॉस्को, यहाँ पे आता है इसमें यूरोप में, मॉस्को कहाँ आता है यूरोप में मॉस्को, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो इधर का जो भाग है जो एशिया में आता है, एशिया वाला जो भाग है इसे कहते हैं साइबेरिया, क्या कहते हैं साइबेरिया, क्या कहते हैं इसे साइबेरिया, ठीक है। जो यूराल पर्वत की इधर पूर्वी साइड में जो आता है, जो रूस आता है, जो एशिया में हमारा भाग जो आता है उसे कहते हैं साइबेरिया, उस भाग को कहते हैं रूस का साइबेरिया, साइबेरिया भाग कहते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया का सबसे जो बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा शहर है कौन सा है, व्लादिवोस्तोक, यहाँ पर आप आइएगा तो आप यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर दिखेगा, आप यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, कौन सा है व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक एक शहर है। आप एटलस में मैप में केयरफुली ध्यान से देखें, आपको दिखेगा शहर है आपका व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ये हुआ एशिया का। अब आते हैं यूरोप में, यूरोप में जो रूस का भाग है, यूरोप में रूस का जो भाग है उसका जो बड़ा शहर है रूस का वो है सेंट पीटर्सबर्ग, आपको यहाँ मिलेगा बाल्टिक सागर के जस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, लेनिनग्राड, लेनिनग्राड, इसका पूरा नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम है लेनिनग्राड। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए हुआ आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ए हुआ आपका व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक यहाँ तक ट्रेन जाती है, यहाँ तक आती है ट्रेन जाती है, यहाँ तक ट्रेन जाती है। इसका लंबाई कितना है, टोटल है 9000 किलोमीटर, विश्व का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है, समझ गए होंगे, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कहाँ से कहाँ, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है, मतलब यूरोप से लेकर रूस तक जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो एशिया है, एशिया में जो ये जो रूस है, ये रूस में एक यहाँ पे आपको मिलेगा झील, क्या मिलेगा झील, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, बेकाल झील, बेकाल झील, ठीक है। बेकाल झील जो है सबसे गहरा, सबसे गहरा झील है, दुनिया का सबसे गहरा झील है। और इस झील को क्या कहते हैं, साइबेरिया का मोती, क्या कहते हैं इस झील को, साइबेरिया की मोती कहते हैं इसे, साइबेरिया की मोती कहते हैं इसे, ठीक है, इसे साइबेरिया की मोती कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, यहाँ पे बर्खोयांस्क, यहाँ पे पर्वत श्रेणी मिलेगा, पर्वत मिलेगा बर्खोयांस्क, यहाँ पे पर मिलेगा क्या, बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क, ठीक है। यहाँ पे विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है, विश्व का सबसे ठंडा, यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाती है, ठीक है, बर्खोयांस्क यहाँ पे, ओके।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो रूस है ये अपना नाभिकीय जो कचड़ा होता है, नाभिकीय कचड़ा जो होता है, इसे यहाँ पे एक द्वीप है, आप देखेंगे कारा सी है उसके जस्ट बगल में, एक यहाँ पे आपको मिलेगा द्वीप मिलेगा, जहाँ पे रूस जो होता है अपना नाभिकीय सारे कचड़ा को यहाँ पर डालता है द्वीप में। इस द्वीप का क्या नाम है आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ देखेंगे आप रूस में आपको एक यहाँ पे बंदरगाह मिलेगा, यहाँ पे एक बंदरगाह है मुर्मुस्क, क्या नाम है मुर्मुस्क बंदरगाह मिलेगा आपको यहाँ पे। ये बंदरगाह जो है ठीक है वर्ष भर या जो आवागमन होते रहता है, और सारे जो उस एरिया में जो क्षेत्र उस एरिया में क्षेत्र है वो बर्फ से ढक जाते हैं, बट ये जो है मुर्मुस्क बंदरगाह वो सालों भर वर्ष भर आवागमन होता रहता है, मतलब यहाँ पे पानी जमता नहीं, बर्फ बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न है कि यहाँ से जलधाराएँ आती है, कौन से ठंडी या गर्म जलधाराएँ आती है, जिस कारण से यहाँ पे पानी जो है समुद्र का टेम्परेचर कम होने के बावजूद बर्फ बनता नहीं है। क्या होता है यहाँ पे बर्फ बनता नहीं है, क्यों? चूँकि गर्म जलधाराएँ के कारण। आपको इसको डिटेल बताएंगे, आपको जलधारा में समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें बताएंगे, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा बताएंगे उसमें बताएंगे आप लोग को, ठीक है, क्यों होता है। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं तो जो रूस है इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, अधिक है, देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण से यहाँ का समय निर्धारण करना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से यहाँ का जो टाइम जोन है कितना है 11 है, यहाँ का जो टाइम जोन है कितना है 11 है, रूस का जो सबसे अधिक है टाइम जोन कितना है 11 है। बस आज की क्लास बस नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट को ज़रूरतमंद है जिनको है उनको आप शेयर जरूर करें, और आपको कैसा लगा वीडियो अपडेट आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।